तो अभी हम लोग बर्फ के पास पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ दाएं बाएं बर्फ है और ये जो बर्फ है ये बिल्कुल पत्थर बन चुका है। ये आप इसको निकाल नहीं सकते, बिल्कुल पत्थर, और यहाँ पे फिसलन का भी जो है वो खतरा है। तो अगर आप ऐसे ट्रैक पे बर्फ वगैरह ऐसे ट्रैक पे जा रहे हैं तो जूते जो हैं वो अच्छे लीजिए, क्योंकि जूते जो हैं वो पैर को भी आराम देंगे और ज़्यादा हाइट पे जाने पे वो थोड़ा सा बर्फ़ पे फिसलेंगे भी नहीं। अभी ये जूते हैं तो ये आराम से फिस, ये जूते आप देख लीजिए, इतने अच्छे तो नहीं बोल सकता लेकिन इतने बुरे भी नहीं है, ये जल्दी नहीं फिसलेंगे। ये देखिए आप बिल्कुल धीरे धीरे फिसल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बर्फ जो है वो काफ़ी, और अभी हमारे जो गुरु जी हैं गाना गा रहे हैं, गाना गाते गाते हम ऊपर पहुँच रहे हैं और ये बर्फ के साथ मौज मस्ती। और चलिए अभी आगे का जो ट्रैक है उसको फिर से चालू करते हैं। तो अभी सामने वहाँ पे जो है मंदिर हमें दिखाई दे रहा है और हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से अभी मंदिर तक पहुँचेंगे। और बर्फ आप लोग देख सकते हैं, बर्फ काफ़ी ज़्यादा है और अभी यहाँ से चलेंगे, लेकिन ये बर्फ आप लोग देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे तब भी बर्फ थी, लेकिन लगता है अभी हमने रास्ता थोड़ा सा गलत ले लिया और मुझे धोखा दे के गुरुजी दूसरे रास्ते से निकल गए हैं, लेकिन मुझे तो अभी यहीं से जाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मेरे शूज़ जो हैं वो बर्फ में धंस रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बर्फ है यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ जो है वो धूप नहीं आती है तो जिस कारण ये बर्फ़ जितनी पड़ी है वो उतनी है। और ये अभी मेरे को भी जो है वो रास्ता मिल चुका है और ये अभी गुरुजी फंस चुके हैं और रास्ता इन्होंने गलत ले लिया है, लेकिन फिर भी ये आ सकते हैं जिस रास्ते से मैं आया हूँ। तो अभी गुरुजी आ रहे हैं थोड़ा सा मोर एडवेंचर करने के चक्कर में, तो अभी आइए गुरुजी, अभी इनको हम शूट करेंगे कि किस तरह से ये नीचे आते हैं। तो सावधानी बरते, तो अभी हम वीडियो बनाने के चक्कर में इनकी हालत टाइट हो रही है, लेकिन फोन डाल लिया इन्होंने जेब में तो अभी इनका कहना कि शादी है मेरी, लेकिन फिर भी मानते नहीं है। और देख सकते हैं नीचे आ चुके हैं, तो अभी जो फाइनल स्टेप्स जो हैं वो आ चुके हैं, और जो भी माता के दर्शन करेंगे, लेकिन इस टाइम पे माता का दरबार जो है वो बंद रहता है, इसी कारण जो ये दुकान है वो भी बंद है। और किसी ने खूब कहा है कि मुश्किल चढ़ाइयों के बाद ही खूबसूरत मंजिल मिलती है, तो आज की हमारी जो खूबसूरत मंजिल है वो
आदि हिमानी चुमंडा का ये मंदिर है। तो नीचे से चढ़ने के बाद हम अभी जो है वो इस मंदिर में पहुंचने वाले हैं। पिछली बार जब हम 31 जनवरी को आए थे तब ये पूरा स्नो ही था, यहाँ पे पूरा बर्फ था। इस बार जो है वो बर्फ थोड़ी कम गिरी है, कम क्या ना के बराबर गिरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बर्फ रहती है। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं कि आप बर्फ बिल्कुल कम है। और अभी जो ये माता का मंदिर है तो यहाँ पे हम जा रहे हैं। ये जो पुराना है मंदिर था वो किसी दुर्घटना में वो खराब हो चुका था, तो उसकी जगह पे नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे जो ये मंदिर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है और मंदिर जो है वो बंद है। और इसी के साथ हम लोग जो है वो आदि हिमानी चुमंडा का जो ट्रैक है उसको कंप्लीट करते हैं और मंदिर के जो दर्शन है उसको करते हैं। अभी मंदिर का जो हमारी पूजा अर्चना थी वो जो पूरी करने के बाद हम आगे आगे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी अभी जो नया मंदिर है उसकी कंस्ट्रक्शन चली हुई है, लेकिन जब बन जाएगा तो ये माता का दरबार काफ़ी अच्छा हो जाएगा या काफ़ी खूबसूरत बनेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि किस कैसा या कहाँ पे ये मंदिर है। तो इसी के साथ अभी हम थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेते हैं। तो अभी मंदिर का जो दर्शन दर्शन करके वन डे ट्रैक था हमारा, तो उसको वन डे ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद अभी हम जो हैं वो वापस जा रहे हैं। और ये हमारे भाई जी आए हैं काफ़ी दूर से, तो ये भी रात को यहाँ पे इनका स्टे का प्रोग्राम है, लेकिन हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हम अपना सामान जो है वो नहीं लाए हैं। तो इसी के साथ राम राम। तो अभी इस टाइम जो नाइट स्टे के लिए जो हैं वो लगभग 10-12 बंदे यहाँ पे आए हैं जिन्होंने नाइट स्टे करना है, और काफ़ी वो ज्वालाजी साइड से आए हुए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब बंदे जो घूमने फिरने के शौकीन हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। और काफ़ी ये अच्छी जो बोल सकते हैं एनवायरनमेंट मदर नेचर से टच होके जो मंदिर है वो है ये मंदिर। और अभी जो ये दूसरा मंदिर है भगवान शिव का मंदिर है ये, तो यहाँ पे हम दर्शन करने के बाद अभी वापिस हम नीचे जाके जो एक झील है बड़ी ज़्यादा नहीं छोटी सी झील है उसमें थोड़ी सी मौज मस्ती करेंगे, उसके बाद हम वापस घर के लिए जो निकलेंगे। तो देखते हैं, वो अलग वीडियो में मैं बताऊंगा जो हमने जो इसमें झील के झील में जो मौज मस्ती की है उसकी अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।